बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूँगी टब ड्राई के फंक्शन के बारे में। काफ़ी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो टब ड्राई का फंक्शन होता है वो किस लिए यूज किया जाता है और कैसे यूज करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो टब ड्राई का फंक्शन है वो यूज क्यों किया जाता है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसे यूज कैसे करना है। जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन कपड़ों को वॉश और रिंस करके उसके बाद स्पिन फंक्शन से कपड़ों को ड्राई कर देती है। लेकिन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो स्पिन साइकिल का टाइम होता है वो ज़्यादातर 6 से 7 मिनट का ही होता है। तो इतने कम टाइम में जो वॉशिंग मशीन है वो कपड़ों को तो पार्शियली ड्राई कर देती है, लेकिन जो वॉशिंग मशीन का इनर टब और आउटर टब है उसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं कर पाती है। और वॉशिंग मशीन का जो इनर टब है उसमें लंबे समय तक अंदर नमी बनी रहती है। आप टब के अंदर ये जो छोटे छोटे होल्स देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है, और अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर रहता है तो इसकी जो नमी है वो धीमे धीमे फंगस में चेंज हो जाती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में जो हम गंदे कपड़े धोते हैं उसके जो गंदे कण वगैरह होते हैं वो इसके अंदर मिट्टी वगैरह भी इनर टब में रह जाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके वॉशिंग मशीन में ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, इसके अंदर फंगस ना जमा हो और डर्ट वगैरह भी इसके अंदर इकट्ठी ना हो, तो आपको टब ड्राई का फंक्शन ज़रूर यूज करना चाहिए। खासकर जो लोग काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड एरिया में रहते हैं उन्हें तो ये टब ड्राई का फंक्शन ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी वॉशिंग मशीन की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके वॉशिंग मशीन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो टब क्लीन का ऑप्शन है उसको भी यूज करके आप वॉशिंग मशीन के टब को ज़रूर क्लीन कर लें। वॉशिंग मशीन का टब आपको कैसे क्लीन करना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर चेक करें। और आप एक बार टब क्लीन करने के बाद ही टब ड्राई का फंक्शन यूज करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि टब ड्राई के फंक्शन को यूज कैसे करना है। टब ड्राई का फंक्शन यूज करने के टाइम पर आपको वॉशिंग मशीन में कोई भी कपड़े वगैरह ऐड नहीं करने हैं। टब ड्राई फंक्शन यूज करते टाइम इसमें केवल स्पिन फंक्शन ही वर्क करेगा, वॉश और रिंस फंक्शन इसमें वर्क नहीं करता है, ना ही इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड होगा। तो बिना कोई कपड़े वगैरह ऐड किए हुए हम वॉशिंग मशीन का जो लिड है वो बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे पावर बटन को सिंपली ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम वाला बटन है उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जो टब ड्राई का फंक्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टब ड्राई का फंक्शन है वो सेलेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर लेवल वगैरह कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। इसमें वॉश और रिंस फंक्शन बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, जो केवल स्पिन फंक्शन है वही वर्क करेगा। और टब ड्राई का फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स, टब ड्राई का जो फंक्शन है वो स्पिन फंक्शन ही रहता है, लेकिन स्पिन फंक्शन को टाइमिंग केवल 6 से 7 मिनट का ही रहता है, लेकिन जब हम टब ड्राई फंक्शन को यूज करते हैं तो इसका टाइम मैक्सिमम 90 मिनट तक का रहता है। हर कंपनी की वॉशिंग मशीन्स में ये टाइमिंग अलग अलग होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पिन फंक्शन वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देती हूँ कि कितने बजे ये टब ड्राई का फंक्शन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे 5 बजे ये जो फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ है। तो अब देखना ये है कि इसमें कितने टाइमिंग तक ये स्पिन फंक्शन वर्क करेगा। टब ड्राई का जो फंक्शन है वो बेसिकली 30 मिनट से लेकर 90 मिनट के बीच तक रहता है। तो इतने टाइम तक केवल इसमें जो स्पिन फंक्शन है वही ऑन रहता है और ये जो वॉशिंग मशीन का इनर और आउटर टब है उसको कम्प्लीटली ड्राई कर देता है, और वॉशिंग मशीन के अंदर जो एक्सेस वाटर और जो इसके अंदर डर्ट होती है उसको भी ये निकाल देता है। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन में ये जो बीप की साउंड सुनाई पड़ रही है इसका मतलब है जो टब ड्राई की साइकिल है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5:51 हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हायर की इस वॉशिंग मशीन में जो टब ड्राई का साइकिल है वो 50 मिनट का है। तो अब मैं आपको वॉशिंग मशीन ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 50 मिनट तक स्पिन फंक्शन वर्क करने के बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वार्म सा फील हो रहा है, और पहले जो टब में थोड़े बहुत पानी के जो पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे थे वो भी कम्प्लीटली गायब हो गए हैं। तो टब ड्राई के फंक्शन को यूज करके वॉशिंग मशीन का जो इनर और आउटर टब है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि टब ड्राई फंक्शन को हमें कैसे यूज करना है।
तो वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज की सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।